इंतखाबात के लिए इकदाम मुकम्मल। 8 फरवरी को शफाफ इलेक्शन के लिए वाफर वसाइल मौजूद हैं। 12 करोड़ से जायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत बन चुका है। वज़ीर इत्तला'आत मुर्तज़ा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि दहशतगर्द तंजीमों ने अफगानिस्तान को अपना मस्कन बना रखा है। खतरे के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेज अपना काम कर रही हैं। इंतखाबात में भी भरपूर सिक्योरिटी होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है और अदालती फैसलों पर तनकीद की भी आज़ादी है। कराची में प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार, वफाकी वज़ीर इत्तला'आत व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि मैं मुस्तकिल मिजाजी के साथ ये बात करता रहा हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए। बहुत लोग चाहते हैं कि इलेक्शन किसी तरह मुलतवी हो जाए। बहुत सारे लोग, उनके अंदर बहुत इश्तियाक था और जज्बात से भरपूर थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने कहा कि बस किसी वजह से इलेक्शन ना हो। लेकिन मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब और मैं मुसलसल ये बात करता रहा हूँ कि इलेक्शंस 8 फरवरी को होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ बहरान का सामना कर रहा है, कहीं मौसम के मसाइल हैं तो कहीं सिक्योरिटी के। दहशतगर्दी बढ़ गई है। सूबाई हुकूमत ने मकामी हुकूमतों को मफलूज करके रख दिया है। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात मुंतकिल किए गए। लेवल प्लेइंग फील्ड के भी मसाइल हैं। सेमिनार से सीनियर साफी महमूद शाम, मजहर अब्बास, उमर जिया, सुहेल सांगी, प्रोफेसर तौसीफ अहमद और दीगर ने भी खिताब किया।